हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लकी ऑटो कार में। दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक ऐसी हैवी बोल्ड लुक के साथ में आने वाली रियल एसयूवी के बारे में, जो कि ज़्यादातर माफियाओं लोगों को पसंद आती है या फिर जो हाई प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको पसंद आने वाली एक ऐसी एसयूवी के बारे में जो कि ऑल ब्लैक के साथ में आती है, जिसके अंदर आप लोगों को प्रीमियम सा इंटीरियर देखने को मिलता है, हैवी मस्कुलर बोल्ट लुक देखने को मिल जाता है एक्सटीरियर में, एंड जो यहाँ पर इंजन स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसदार हैं, जिससे आप लोगों को माइलेज पावर टॉर्क अच्छी देखने को मिल जाती है, और जो इस कार की बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों वो भी बहुत ही जबरदस्त है। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं द ऑल न्यू एंड ब्रांड न्यू महिंद्रा की तरफ से आने वाली बुलेरो नियो के बारे में। एंड ये जो आप लोग वेरिएंट देख रहे हैं वो है N10, जो कि 7 सीटर के साथ में आज मेरे सामने अवेलेबल है। 2024 का OBD E20 फेस 2 के साथ में टोटली अपडेट होकर आ गया है, जिसका आज मैं आप लोगों को एक डिटेल रिव्यू वॉक एंड वॉक शूट देने वाला हूं। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस कार की चाबी से, जो कि आपको कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। महिंद्रा का लोगो है, फ्लिप की के साथ में आती है, लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी बटन देखने को मिल जाता है, और स्मार्ट की है और बहुत ही प्रीमियम सा लुक प्रेजेंट करके देती है। अब आ जाते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल लुक की तरफ, जो कि बहुत ही गजब का लगता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हेलोजन बेस हेडलाइट एरिया देखने को मिलता है, जो कि पूरा क्रोम रिफ्लेक्टर के साथ में आता है। विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी रहती है नाइट के टाइम पर। साइड्स में आपको इंडिकेटर कॉर्नर लैंप भी देखने को मिलते हैं, वो भी हेलोजन बेस है। ऊपर आपको LED DRL देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा सा लुक प्रेजेंट करके देती है। नीचे देखेंगे तो फॉग लैंप की हाउसिंग है, जो कि हेलोजन बेस यूज किए गए हैं, फायर बॉडी को सराउंडिंग में यूज किया गया है। और अगर बात करते हैं फ्रंट ग्रिल के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को महिंद्रा का न्यू लोगो देखने को मिल जाएगा, और जो ग्रिल है वो आपको बुलेरो फैमिली ग्रिल के साथ में देखने को मिलती है, जिसके ऊपर क्रोम इंसर्ट्स यूज किया गया है, जिससे बहुत ही प्रीमियम सा बोल्ड लुक आता है देखने पर। नीचे आपको लोअर ग्रिल देखने को मिल जाएगी, फायर बॉडी की है, हनीकॉम डिजाइन को यूज किया गया है। नंबर प्लेट का स्पेस देखने को मिल जाएगा पूरा फाइबर बॉडी का। यहाँ पर ट्यूनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा है फ्रंट का पूरा बम्पर एरिया। ऊपर साइड में आप देखेंगे बोनेट के ऊपर, तो एक बार मैं आपको दिखा दूं पास से, कुछ इस प्रकार के कट्स एंड डिजाइन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा सा लुक आता है देखने पर। और जो बोनेट है दोस्तों वो बहुत ही हैवी है। यहाँ पर आपको डुअल वाइपर विद वॉशर्स का प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। एक अच्छी विजिबिलिटी के साथ में आपको पूरी विंडशील्ड देखने को मिलती है, जिसमें अंदर से ड्राइवर बाहर का पूरा व्यू देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर रूफ की तरफ चले तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की रूफ है, डिजाइन कट्स देखने को मिल जाएगी। फ्रंट के सेंटर में आपको पावर एंटीना का प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस कार की चौड़ाई बता दूं फ्रंट से, जो कि है 1795 mm की। अच्छी खासी आपको विड्थ चौड़ाई देखने को मिलती है, जिसके से जो इस कार का रोड प्रेजेंस रहता है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा आता है और लोगों को भी पसंद आता है। साइड से कुछ इस प्रकार के आपको लुक्स देखने को मिलते हैं, क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी इस कार की 360 में यूज़ की गई फायर बॉडी की। एंड यहाँ पर आप देखेंगे फेंडर की तरफ तो इंडिकेटर का प्लेसमेंट है, जो कि हेलोजन बेस है। एक मैट ब्लैक फिनिशिंग की आपको स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी, फ्रंट से लेकर रियर तक यूज की गई है। यहाँ पे जो आपको ORVM देखने को मिलते हैं वो आपको को बॉडी कलर देखने को मिल जाएंगे, जिनको केवल कार के अंदर से इलेक्ट्रिक एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन फोल्डिंग मैनुअली किया जाएगा। अब चलते हैं इस कार के टायर्स व्हील्स की तरफ, तो यहाँ पर आप लोगों को ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आते हैं गुड टायर्स की तरफ से, जिनका टायर साइज है दोस्तों वो है 215/75 R 15 inches के सिल्वर एलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं। प्रीमियम से लगते हैं और बहुत ही बल्की यूज किए गए हैं। फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है, महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो फुट स्टेप देखने को मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार का यूज किया गया दोनों ही साइड्स पर। और यहाँ पे जो आप लोगों को डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं वो आते हैं मैट ब्लैक फिनिशिंग के। बी व्हीलर पूरा बॉडी कलर यूज किया गया है। बैक साइड में देखेंगे तो थर्ड विंडो का भी पूरा एरिया देखने को मिल जाता है, जिससे आप थर्ड रो की सीटिंग को देख सकते हैं अपने हिसाब से। और उसी के नीचे आपको फ्यूल टैंक एरिया देखने को मिलता है, जिसकी कैपेसिटी है डीजल में 50 लीटर की। सो ओवरऑल दोस्तों कुछ इस प्रकार का है पूरा सेट का प्रोफाइल। अब मैं आप लोगों को इस कार का एक शोरूम प्राइस बता दूं लखनऊ का, जो कि है 11,47,000 रुपये के अप्रॉक्स में, एंड जो ऑन रोड प्राइस है वो है 13,57,000 रुपये के अप्रॉक्स में। ये केवल डीजल वेरियंट के अंदर ही आती है कार। अब मैं आप लोगों को इस कार के साइड से पूरे डायमेंशन बता दूं, तो इस कार की जो लेंथ है वो है 3995 mm की, हाइट 1817 mm की है, व्हील बेस 2680 mm का है, एंड जो दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 180 mm का, जिसके से आप इस कार को कंफर्टेबली कहीं भी राइड करेंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ऐसा है पूरा सेट का प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर से भी आप लोगों को बहुत ही बोल्ड लुक देखने को मिल जाते हैं हैवी वाले। यहाँ पर आप रूफ की तरफ देखेंगे तो स्पॉइलर देखने को मिल जाता है, जो कि पूरा बॉडी कलर यूज किया गया है, एंड यहीं पे आपको हाइमोस स्टॉक लैंप देखने को मिलता है। और दोस्तों आज का ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ नारायण ऑटोमोबाइल्स लखनऊ में। अगर आप लोग लखनऊ या लखनऊ के आसपास के हैं तो शोरूम में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने शोरूम की सारी जानकारी कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया है। डिफॉगर का पूरा प्लेसमेंट है, रियर वाइपर विथ वॉशर्स का प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा, बुलेरो नियो की बैजिंग मिल जाती है। उसी के नीचे थर्ड रो को ओपन करने के लिए डोर हैंडल देखने को मिलते हैं मैट ब्लैक फिनिशिंग वाले। टेललाइट की बात करें तो चौड़ी सी और लंबी सी आपको टेललाइट देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको पूरा हेलोजन बेस सेटअप देखने को मिलता है अच्छी विजिबिलिटी के साथ में। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पेयर व्हील देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर बाद में एक कवर इंस्टॉल किया जाता है, जिसके ऊपर बुलेरो नियो लिखा होता है।
रियर का पूरा बंपर एरिया आपको डुअल टोन फिनिशिंग में देखने को मिलता है, ग्लॉसी ब्लैक एंड मैट ब्लैक फिनिशिंग में। रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं डुअल एंड रिवर पार्किंग सेंसर के पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे डुअल। नंबर प्लेट का स्पेस है। थर्ड रो में जाने के लिए आपको फुट स्टेप देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को ट्विंगो का ऑप्शन देखने को मिलता है। एक बार नीचे से प्रोफाइल दिखा दूं तो कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है, पूरी कवरिंग के साथ में एग्जॉस्ट मफलर को यूज किया गया है। सो ओवरऑल दोस्तों कुछ इस प्रकार का है पूरा रियर का प्रोफाइल जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आई होप अच्छा लग रहा होगा। सेकंड साइड से भी एक बार आपको दिखा दूं तो वो भी आपको सेम ही देखने को मिलते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। बहुत ही चौड़ी लुक के साथ में आती है कार रियर प्रोफाइल से भी। यहाँ पर आप देखेंगे तो N10 की बैजिंग देखने को मिल जाती है जो कि वेरिएंट की है। एक बार मैं पास से आपको दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। तो ये रही N10 की बैजिंग। तो ये रहा पूरा रियर प्रोफाइल। सेकंड साइड प्रोफाइल आपको सेम ही देखने को मिलता है। अभी तक मैं आप लोगों को इस कार का पूरा एक्सटीरियर दिखाया हूँ। अब मैं चलता हूँ इस कार के सेकंड रो कैमरे की तरफ और देखते हैं इंटीरियर कैसा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे डोर्स के ऊपर तो सिंगल टोन फिनिशिंग पूरी देखने को मिलती है जो कि आती है पीच कलर के साथ में एंड हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी को यूज किया गया है, टेक्चरेटेड है। डॉट वाला आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, पावर विंडो के कंट्रोल है, डोर हैंडल से मैट ब्लैक फिनिशिंग में एंड ग्रिपर है ग्लॉसी सिल्वर फिनिशिंग में। नीचे स्पीकर ग्रिल बॉटल होल्डर का स्पेस देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल डोर पैनल बहुत ही अच्छा लगता है देखने पर। अब देख लेते हैं सेकंड रो केबिन की सीट्स को या फिर सेकंड रो केबिन को। तो सिंगल टोन में आपको पूरा सेकंड रो केबिन देखने को मिलता है। सीट्स आपको यहाँ पर फैब्रिक एपॉक्सी वाली देखने को मिलती है, प्रीमियम सी, बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है। थाई सपोर्ट आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है पैसेंजर्स के लिए। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो आइसोफिक्स वाली माउंटिंग देखने को मिलती है। सीट बेल्ट यूज किए गए हैं। सीट्स के ऊपर डिजाइन कट्स हैं। बैकरेस्ट अच्छा खासा है। एडजस्टमेंट के साथ में आते हैं हेडरेस्ट कुछ इस प्रकार के हैं। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलता है जो कि बंद है। एंड पूरा आपको यहाँ पर डोर पैनल सेम ही देखने को मिल जाएगा सेकंड साइड वाला। ऊपर देखेंगे तो हैंड ग्रिपर यूज किया गया है पैसेंजर्स के लिए। लेग स्पेस के लिए बात करें दोस्तों तो अच्छा खासा लेग स्पेस है। कंफर्टेबली दोस्तों यहाँ पर जो पैसेंजर्स बैठेंगे पैरों को फैलाकर बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है लेग स्पेस को लेकर। तो चलिए एक बार मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ इस कार के अंदर। तो आप लोग देख लीजिए कुछ इस प्रकार का है लेग स्पेस। एक्चुअली जो ड्राइवर वाली सीट है वो थोड़ी सी पीछे है जिसके वजह से लेग स्पेस कम दिख रहा होगा, लेकिन लेग स्पेस अच्छा खासा है, कंफर्टेबली पैसेंजर्स बैठेंगे। थर्ड रो की बात करें तो कुछ इस प्रकार का आपको थर्ड रो देखने को मिल जाता है। सीट्स आपको सेमी देखने को मिल जाती है फैब्रिक के साथ में। डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, हैंड ग्रिपर है। ऊपर आप देखेंगे तो सेकेंडरी हैंड ग्रिपर है। लाइटिंग की पोजीशन यूज की गई है रूफ के ऊपर। स्पेस भी अच्छा खासा है, कंफर्टेबली पैसेंजर्स बैठेंगे अपने पैरों को फैलाकर थर्ड रो के अंदर भी। इस प्रकार का आप लोगों को पूरा सेकंड रो केबिन और थर्ड रो केबिन देखने को मिलता है जो कि प्रीमियम सा है। तो अब उतरते हैं कार के बाहर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे डोर्स पे चाइल्ड सेफ्टी के कुछ लॉक्स यूज किए गए जिसको आप इनेबल कर सकते हैं। ड्राइवर साइड की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मैनुअल की का प्लेसमेंट है जिससे आप डोर को ओपन कर सकते हैं। डोर पैनल आपको यहाँ पे भी सेम ही देखने को मिल जाएगा, पीच फिनिशिंग के साथ में आता है। हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी को यूज किया गया ड्राइवर साइड में भी, टेक्चरेटेड है। नीचे आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, सेम डोर हैंडल्स हैं, हैंड ग्रिपर ग्लॉसी सिल्वर फिनिशिंग में, स्पीकर ग्रिल बॉटल होल्डर का स्पेस देखने को मिल जाता है। तो डोर पैनल सेम ही है। फ्रंट और केबिन की बात करें तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। डुअल टोन फिनिशिंग के साथ में आता है डैशबोर्ड। सीट्स आपको सेम देखने को मिल जाएंगी, प्रीमियम फैब्रिक कैपेसिटी के साथ में आती है, डिजाइन कट्स को यूज किया गया है। थाई सपोर्ट आपको ड्राइवर साइड में भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, सॉफ्ट कंफर्टेबल सीट्स हैं। साइड के बूस्टर्स हैं, बैकरेस्ट भी है। एंड यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट के साथ में हेडरेस्ट देखने को मिलता है। नीचे लीवर्स हैं जिससे आप सीट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्रंट में देखेंगे तो रोलर है आगे पीछे करने के लिए सीट को। ABC पैडल्स हैं, फ्रंट बोनट ओपन करने का लीवर है साइड में। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस यूज किया गया ड्राइवर साइड में। यहाँ पर आपको बटन देखने को मिलते हैं, इसमें ORVM, हेडलाइट लेवलिंग, इको, फ्यूल, ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन्स यूज किए गए हैं कुछ इस प्रकार के हैं। ऊपर साइड में आप देखेंगे तो AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। मैनुअल की का प्लेसमेंट देखने को मिलता है जो कि स्टीयरिंग व्हील के ऊपर यूज किया गया। लाइटिंग के साथ में इग्निशन यूज किया गया है। ओवरऑल दोस्तों डोर पैनल एंड ड्राइवर साइड की जो सीट्स है वो कुछ इस प्रकार की हैं। तो चलिए अब चलते हैं कार के अंदर, बैठते हैं चाबी को लगाकर, उसके बाद फ्रंट और केबिन के वन बाय वन करके जितने भी फीचर्स हैं उन सभी को एक्सप्लोर करते हैं रियल लाइफ रिव्यू के साथ में। तो डोर को करते हैं क्लोज। ऐसा आपको पूरा डुअल टोन फिनिशिंग में डैशबोर्ड एरिया देखने को मिलता है जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको 3-स्पोक इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग के साथ में आती है, कंफर्टेबली ग्रिप कर सकता है। इसी के ऊपर ग्लॉसी सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिलती है। महिंद्रा का लोगो है, हॉर्न का प्लेसमेंट है। लेफ्ट साइड में टेलीकॉलिंग म्यूजिक के बटन है, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल के बटन देखने को मिलते हैं। लेफ्ट साइड में देखेंगे वाइपर के कंट्रोल्स हैं। राइट साइड में दिखा दूं मैं तो इंडिकेटर, हेडलाइट के बटन्स या फिर कंट्रोलर्स देखने को मिलते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट देखने को मिलती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर केवल आपको टिल्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक का नहीं, और ये बहुत ही हैवी लगता है करने पर। तो इसको मैं फिर से लॉक कर देता हूँ और चलता हूँ इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो यहाँ पर आप लोगों को एनालॉग प्लस डिजिटल वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, सभी चेकलाइट्स इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करके दे देता है। एक बार मैं ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ सही से। तो ऑन होने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको येलो लाइटिंग देखने को मिलती है। एनिमेशन के साथ में बोलेरो नियो की बैजिंग आ जाती है और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है और चेकलाइट्स के साथ में। यहाँ पर आप लोग देखेंगे राइट साइड में दोस्तों तो स्पीडोमीटर है जिसकी मैक्स स्पीड है 180 की। एक बार मैं आपको सही से दिखा दे रहा हूँ
तो ये देखिए आप लोग सही से, यहाँ पर 180 की मैक्स स्पीड है, मेडल में MID स्क्रीन है जिसके ऊपर ऑल इन्फॉर्मेशन चेकलाइट देखने को मिलती है, जिसके अंदर डिजिटल क्लॉक, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, KM, फ्यूल लेवल, वो सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में टैकोमीटर देखने को मिल जाएगा ऑल इग्निशन के साथ में। नीचे मोड्स के डुअल बटन यूज किए गए राइट एंड लेफ्ट में। राइट वाला प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिस्ट्री, सेटिंग्स, उसके बाद ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज, KM, ये सभी आप लोग देख सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इस कार में इंक्लूड कर दिया है जिससे ये कार सेफेस्ट हो जाती है। सेंटर कंसोल की बात करें तो ऐसा कुछ प्रीमियम सा सेंटर कंसोल देखने को मिलता है। ऊपर आपको डुअल एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं ग्लॉसी सिल्वर फिनिशिंग के, और इसी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है जो कि आता है टच स्क्रीन के साथ में, और ये सपोर्ट करता है ब्लूटूथ ऑक्स जैसे फंक्शंस को, एंड इसी में आपको USB का भी फंक्शन देखने को मिलता है। बटन्स भी आपको साइड्स पे देखने को मिलते हैं जो कि हैप्टिक टच के साथ में आते हैं, और बहुत ही अच्छी टच रिस्पॉन्स भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है 12 ट्विटर के प्लेसमेंट के साथ में। नीचे आपको हेजलाइट का स्विच है, ग्लॉसी सिल्वर फिनिशिंग आपको सराउंडिंग में देखने को मिल जाएगी, इंफोटेनमेंट के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बटन देखने को मिलते हैं। नीचे में बटन्स और देखने को मिल जाएंगे, 12 वोल्ट का सॉकेट है जो कि थोड़ा सा हार्ड फिक्स है, USB ऑक्स के पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, बैक साइड में थोड़ा सा स्पेस यूज किया गया है, एंड ये है 5 स्पीड के साथ में आने वाला मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग के साथ में आता है और बहुत ही स्मूथी शिफ्ट करता है गियर को। पावर विंडो सेंटर लॉकिंग के बटन्स भी आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगी, ट्रिपल कप होल्डर के स्पेस देखने को मिलते हैं। को ड्राइवर की सीट्स भी आपको सेम ही देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को ड्राइवर साइड में और ड्राइवर साइड में आर्मरेस्ट देखने को मिलता है जो कि फैब्रिक के साथ में आता है और बहुत ही अच्छा फीचर्स है। को ड्राइवर साइड की डोर पैनल सेम है, हैंड ग्रिपर देखने को मिलता है, सनवाइजर यूज किया गया है को ड्राइवर साइड में, वेरिटी पैड है, विरर का ऑप्शन यूज किया गया है, सिंगल रूफ माइक है, रीडिंग लाइट्स हैं, IRVM देखने को मिलता है मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में। ड्राइवर साइड में आपको सनवाइजर देखने को मिल जाता है टिकट होल्डर वाला। तो ऐसा है पूरा इंटीरियर रूफ। अब बात करते हैं डैशबोर्ड के बारे में, तो डुअल टोन फिनिशिंग में आपको हार्ड फायर प्लास्टिक बॉडी वाला डैशबोर्ड देखने को मिलता है जो कि सॉलिड से टेक्सचर के साथ में आता है, थोड़ा सा स्पेस भी है। कुछ इस प्रकार का बिलर्स पे ट्विटर के प्लेसमेंट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे को ड्राइवर साइड में AC वेंट्स हैं, ग्लो बॉक्स देखने को मिलता है जो कि अच्छे खासे स्पेस के साथ में आता है, छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों ऐसा है पूरा फ्रंट रो केबिन जो कि बहुत ही प्रीमियम सा लगता है, सभी फीचर्स एंड फंक्शंस आप लोगों को प्रोवाइड करके देता है इस प्राइस रेंज के अंदर। और अगर बात करते हैं इस कार की सेफ्टी के बारे में तो यहाँ पर आप लोगों को डुअल एयरबैग्स, ABS VDBD, हील होल्ड असिस्ट, रियर रिवर सेंसर्स जैसे फंक्शंस देखने को मिलते हैं, फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है, चाइल्ड लॉकिंग जैसे फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं जिससे ये कार सेफेस्ट हो जाती है, और बिल्ड क्वालिटी तो एक नंबर की है ये इस कार की। तो चलिए कार को करते हैं बंद और चलते हैं फ्रंट में, बात करते हैं इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इस कार में दोस्तों 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है जो कि आता है MHawk 100 पावर के साथ में, जो कि है 1493 cc का, जिसकी मैक्स पावर है दोस्तों वो है 100 PS की, और जो मैक्स टॉर्क है वो है 260 न्यूटन मीटर की। दोनों ही मिलकर इंजन को बहुत ही स्मूथली जनरेट करते हैं, जिससे जो यहां पर आप लोगों को माइलेज देखने को मिलता है वो आता है 17 से 18 KMPL का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त है। OBD-E20 फेस 2 के साथ में इस कार को अपडेट कर दिया, जिसके बाद इस कार का जो इंजन है वो बहुत ही स्मूदी है, 3 सिलेंडर पावर इंजन आपको देखने को मिलता है जिससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओवरऑल बात करते हैं पूरी कार के बारे में, तो कार बहुत ही ज़बरदस्त है, हैवी लुक के साथ में आती है, लोगों को पसंद भी आती है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, प्रीमियम से इंटीरियर आप लोग देख रहे हैं, एक्सटीरियर और भी ज़्यादा गजब का लुक ढाता है लोगों के ऊपर, तो आप लोग इस कार को देख सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।